डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए साइंस के क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है आपको कि हम लोग साइंस में बायोलॉजी चैप्टर को शुरू किए हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोगों ने सेल से पढ़ना शुरू किया, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट, पूरे फंडामेंटल यूनिट पूरा लाइफ के लिए क्या है, तो सेल है। हमारे सेल से ही बनता है हमारा पूरा बॉडी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें हम लोग पहले भी बात किए थे कि सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे। अच्छा, यूनिसेलुलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और फिर मल्टीसेलुलर के बारे में हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि वो बहुत सारा उसमें डिफरेंट टाइप के, मैंने बहुत सारे उसमें सेल्स पाए जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग उसके आगे सीखते हैं, नोट में करके लिखेंगे, NOTE, नोट, नोट में एक करके बात लिखेंगे। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहीं ना कहीं एक यूनिसेलुलर से होके बनते हैं, मिल के बनते हैं। आपको पता है कि हमारा नर्व सिस्टम, ठीक है, हमारा स्पर्म, ये सब क्या है, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो किससे मिलके बनता है, तो यूनिसेलुलर, यानी एक एक सेल से बनकर हमारा जो सेल है वो मल्टीसेलुलर में आता है। ये नोट करके लिखे, इसका एग्जांपल भी लिख देंगे इसके नीचे, एग्जांपल कौन कौन सा एग्जांपल है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, जो यूनिसेलुलर से बनता है, यानी कि यूनिसेलुलर से ही हमारा मल्टीसेलुलर सेल बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसका एग्जांपल लिख देंगे, पहला एग्जांपल नर्व सेल, NERVE, नर्व सेल। दूसरा, यानी कॉमा करके लिखेंगे, ब्लड सेल भी एक मल्टीसेलुलर है। फिर लिखेंगे मसल्स, MUSCELES, मसल्स सेल, कॉमा फैट सेल। फिर लिखेगा बोन सेल, हड्डी वाला जो सेल है वो भी एक मल्टीसेलुलर है, बोन सेल, कॉमा अस्पॉम, कॉमा ओभम, ETC आर एग्जाम्पल ऑफ ETC एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ETC आर एग्जाम्पल ऑफ आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी शेल या ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे बॉडीज का, मानवों के जो ऑर्गेनिज्म है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे नर्व सेल, ओभम, मसल्स, ब्लड, फैट, ठीक है, ये सब जो सारा सेल है ये किस में पाए जाते हैं, एक ह्यूमन में पाया जाता है। और ये सब सारा जो एग्जांपल है वो ह्यूमन में पाए जाने वाला सेल का एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन में पाए जाने वाला सेल का अगर कोई नाम पूछेगा कि ह्यूमन में पाए जाने वाला मल्टी सेल और सेल का या ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, दैट आर एटसेट्रा, नर्व सेल, ओभम, ब्लड सेल, फैट और एटसेट्रा, बहुत सारा, ठीक है। तो इन चीजों को करने के बाद हमें जानकारी होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडीज में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाने वाला सेल
कौन कौन से हैं। चलिए तो इसको करने के बाद अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के जो बीच में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी हम लोग चूंकि करते चलेंगे और फिर बाद बाकी जो जो क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग करते ही चलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीच में का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जरा उस क्वेश्चन को कर ले। तो पहले ये क्वेश्चन नंबर वन है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी जब बुक होगा आपके पास आप देख सकते हैं उसके बीच का क्वेश्चन है। लिखा जाए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखा जाए हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। यानी कि बोला गया कि सेल का डिस्कवर्ड किसने किया था एंड वो कैसे किया था। ठीक है, यानी कि सेल का जब डिस्कवर्ड किया गया तो कौन किया, हु एंड हाउ, कैसे किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर लिखेंगे, आंसर द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। हम लोग पढ़े भी हैं इन 1665 self designed माइक्रोस्कोप फुल स्टॉप ही फाउंड डेड सेल इन कॉर्क। चलिए, ये सवाल का आंसर हो गया कंप्लीट। सबसे पहले सवाल ये था कि सेल का जो डिस्कवर्ड हुआ वो किन्होंने किसने किया, तो राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। कब किया गया, तो 1665 तो बोला नहीं था लेकिन फिर भी हम लोग लिख दिए। कैसे किया गया, तो रॉबर्ट हुक ने अपने एक तरीके से एक अपना डिजाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे, कौन, तो रॉबर्ट हुक, और अपना सेल्फ डिजाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप था उनका और उसी के सहायता से उन्होंने सेल का डिस्कवर्ड किया। ठीक है, अगर बोलेगा कोई कि सेल का डिस्कवर्ड कैसे किया गया, तो आप बोलिएगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, रॉबर्ट हुक के द्वारा एक अपना बनाया गया माइक्रोस्कोप था उसी के सहायता से उन्होंने सेल का डिस्कवर्ड किया। इसके साथ साथ जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क का मतलब पेड़ का जो छाल होता है ना ऊपर का, जो कबड़ता है बाहर की ओर गिरता है खुद ब खुद, तो उसके उसका भी कॉर्क वही हुआ जो पेड़ का छाल जैसे नहीं कबड़ता है वो कॉर्क कहलाता है। तो कॉर्क में जो डेड सेल होते हैं, मरा हुआ सेल है, इसका भी खोज उन्होंने किया कि कॉर्क में डेड सेल भी होते हैं, यानी कि मृत सेल, मरा हुआ सेल कहां, उस कॉर्क में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बोल रहा था कि सेल का जो डिस्कवर्ड हुआ किसने किया, कैसे हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, अगले नंबर क्वेश्चन नंबर टू लिखा जाए। पहले हम सवाल बोलते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो लिखा जाए क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरीके से है, व्हाई इज द सेल called the structural and functional unit of life। बोला जा रहा है कि सेल को आखिर क्यों कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि पूरे लाइफ का फंक्शनल
या फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। उसके आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द सेल कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकाउज इट इज मोस्ट बेसिक यूनिट that forms our body full stop, every organs present in our body are all made up of cell, full stop, and the cell called fundamental unit of life because no living organism in the world can live without cell। तो देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन कि आखिर सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल क्यों बोला जाता है, एक सेल को स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है ताकि वो हमारा बॉडी, जितना भी ऑर्गेन्स है हमारा बॉडी का, कान नाक मुंह बाल वगैरह जितना भी दिख रहा है, सब किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, अच्छा बात किया जाए कि फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, तो फंडामेंटल इसलिए कि विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से बना हुआ नहीं है, कोई भी जीवित प्राणी, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो विदाउट सेल हो यानी कि बिना सेल का ही हो ऐसा असंभव है, इसीलिए बोला गया कि ये फंडामेंटल है। देखिए स्ट्रक्चरल कब बोलेंगे, क्योंकि छोटा से छोटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बना हुआ होता है वो सेल से बना हुआ होता है, इसीलिए स्ट्रक्चरल कहलाया, और फंडामेंटल का मतलब को पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना सेल का हो, नो सेल नो विदाउट सेल, है ना, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना सेल का हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो इसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट कब कहलाया, क्योंकि पूरे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं पाया गया जो बिना सेल का हो। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी के बुक का, तो हम लोग दोनों क्वेश्चंस को किए, चलिए आइए आगे उसके हम लोग सीखते हैं। तो लिखा जाए नेक्स्ट, नोट में करके कुछ टाइप्स लिखेंगे, नोट में कुछ करके बात लिखेंगे, तो लिखा जाए नोट में, बोलते हैं लिखिएगा फिर समझाएंगे, नोट में लिखिएगा स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड का स्पेलिंग WOULD वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर
एफ ई ए टी यू आर ई फीचर ऑफ सेल, थ्री फीचर ऑफ सेल। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा न्यूक्लियस। तीसरा साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई बोलेगा कि सेल का जब माइक्रोस्कोप की सहायता से खोज हो रहा था, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया कि सेल का कितने फीचर हैं, फीचर का मतलब उसमें पाया जाने वाला कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग के बारे में, ठीक है। यानी कि जो सेल के जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं वो तीन है। यानी कि जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया तो ये स्टडी किया गया, ये प्राप्त किया गया, ये अध्ययन से हमें प्राप्त मिला कि जो सेल के फीचर्स हैं वो कितने फीचर्स हैं, तीन फीचर्स। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। यानी कि हर एक सेल का, जितने भी सेल हैं, तो उनमें तीन फीचर तो जरूरी रहते हैं। कौन कौन से? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। जैसे कि हर एक व्यक्ति का एब्सोल्युटली हाथ पैर ये सब रहता ही रहता है 90% में, वैसे ही सेल में क्या क्या पाया जाता है, सेल का क्या क्या फीचर है। तो तीन फीचर याद रखना चाहिए कि सेल में ये तीन फीचर, यानी कि तीन जरूरी बातें पाई जाती है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर आइए हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, या फिर इसको क्या कैसे डिफाइन किया जाता है। तो टॉपिक बनाया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते किसको है, तो इस ये टॉपिक दे देना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इट इज आउटर मोस्ट, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, कवरिंग का स्पेलिंग सी ओ वी ई आर आई एन जी, कवरिंग ऑफ द सेल, ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स, दैट सेपरेट्स द कॉन्टेंट, 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 बताते हैं सबका मीनिंग, कॉन्टेंट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, 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 ठीक है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, ये फर्स्ट एरो है। जैसे मान लिया कि कोई टॉपिक सीखेंगे तो उसके अंदर की जितनी भी बातें होंगी ना, हम लोग एरो से देंगे। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर लिखेंगे सेकंड, सेकंड में लिखा जाए सेकंड एरो, सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रिवेंट, सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रिवेंट, प्रिवेंट का स्पेलिंग पी आर ई वी ई एन टी, पी आर ई वी ई एन टी, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। नेक्स्ट एरो देंगे, थर्ड एरो, सेकेंड हो गया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, थर्ड एरो देंगे, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज,
सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि हम तो ऊपर ही लिखे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन फिर से लिख लिया जाए, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, सम सबस्टांसेज, सबस्टांसेज का स्पेलिंग एस यू बी एस टी ए एन सी एस, सम सबस्टांसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सब बात समझाते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो देखकर, बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे डिफ्यूजन प्लेज PLAYS डिफ्यूजन प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन गैसियस का स्पेलिंग GASEOUS गैसियस एक्सचेंज का स्पेलिंग EXCHANGE एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। चलिए, तो जो जो बातें अभी लिखे हैं सभी बात को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सेल का वह पार्ट्स है जो काम करता है किसी भी परिस्थिति के से बचने के लिए। जैसे मान लिया हमारा जो शरीर है, शरीर के ऊपर स्किन है जो अंदर के ऑर्गेनिज्म को बचाने का काम करता है। लाइक अगर हम लोग ड्रेस पहनते हैं ऊपर से ताकि हमारा बदन अच्छे से ढका रहे, सनलाइट एक्रोस नहीं हो, है ना प्रॉब्लम। यानी कि कहने का मेरा मतलब कि जिस तरीके से हम बचने के लिए अपने आप को एक व्यवस्था रखते हैं, वैसे ही आपको जानना चाहिए कि हमारे अंदर का सेल भी एक अपने बचने के लिए ऊपर से एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली टाइप का
उसका आवरण रहता है जो चारों ओर रहता है सराउंडिंग, और ये बाहर होता है। जैसे मेरा बाहर की ओर ये शर्ट है, यह स्किन है पूरा बॉडी के बाहर, वैसा ही सेल के बाहर वाले पार्ट को, आउटर वाले पार्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया? सेल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एनी सेल, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वह ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी सेल के आउटर मोस्ट होता है, बाहर होता है, जिसका काम क्या है। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको तो हम लोग कहते ही हैं। लेकिन अब सेल मेम्ब्रेन एक और काम करता है, दूसरा तो ये, तो पहला बात तो ये आउटर मोस्ट है, बाहरी ओर का ये आवरण है, आवरण के जैसा है। दूसरी बात कि ये जो काम करता है अपने आप को रक्षा करने के लिए भी काम करता है, यानी कि प्रिवेंट है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, रक्षा करना, ठीक है। तो ये अपने आप को सेल, सेल का जो, जैसे मान लिया ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, भले हमें नहीं दिखता लेकिन ये मेम्ब्रेन है जो काम करता है उस ब्लड सेल को बचाने का, ठीक है। जिस तरीके से हमारा स्किन है ऊपर का, उसी तरीके से सेल के ऊपर बाहर में, बाहरी भाग में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो काम करता है बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा फिर हम लोग ये भी लिखे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रिवेंट मूवमेंट सिम अदर मटेरियल्स। हाँ, तो और भी मटेरियल्स से बचने के लिए, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव के लिए, भी काम करती है कौन, तो सेल में क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर अगर थर्ड में बोला जाए तो सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और कुछ ऐसे भी सबस्टांस हैं, ठीक है, ऐसे भी सबस्टांस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जैसे हम लोग का सांस लेना, सांस लेना का मतलब हवा जैसे लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अगर ये श्वास लेना, हवा का भरना निकलना, ये एक डिफ्यूजन, ये एक जिस प्रोसेस के द्वारा होता है इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन में क्या होता है, तो डिफ्यूजन प्लेज इंपोर्टेंट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल वेलोटी, यानी कि यहां पे क्या होता है, तो गैसों का जो चेंज होता है, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन का भी यूज है। सेल मेम्ब्रेन क्या किया, तो गैसों का एक्सचेंज कर दिया, गैसों का अदला बदली कर दिया, कहां से, तो एक हमारा सेल और दूसरा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बीच, दोनों के बीच एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है, तो एक तरह का डिफ्यूजन है ना। अच्छा, वाटर भी एक लॉ ऑफ डिफ्यूजन के पे बेसिस पे है, क्यों, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो एक बहुत ही पतला झिल्ली है। कभी भी आप अंडे के ऊपर वाला झिल्ली देखे हैं ना, अंडे के ऊपर वाला झिल्ली कभी कभी आप पूरा अच्छा से बॉयल नहीं होता है तो वो उखड़ने लगता है, ठीक है, एकदम पतला झिल्ली रहता है, वही तो है सेल मेम्ब्रेन, उससे भी पतला होता है। और आपको पता होना चाहिए उस सेल मेम्ब्रेन से वाटर अक्रॉस हो जाता है। वाटर अक्रॉस का मतलब अगर कोई मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जिससे वाटर अक्रॉस हो जाए, वाटर आर पार हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी कि अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर अगर आर पार हो जाता है तब हम उसको नाम क्या दे देते हैं, उसका नाम ऑस्मोसिस दे देते हैं, ठीक है, उसका नाम ऑस्मोसिस दे देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर पास आउट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, और इसमें डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़े, ऑस्मोसिस के भी बारे में पढ़े। और दोस्तों अभी हम लोगों का ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अगले दिन भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स इसमें बचा हुआ है, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़े तो इसमें भी और कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है, उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।